एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं उनके बारे में। काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत बढ़िया डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कराती है। अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है और आपका एक साल वेस्ट ना करने की जगह आप कोई बहुत बढ़िया सा डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, तब भी आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से इन्हें ऑप्ट कर सकते हो, क्या क्या कोर्सेज है और उस कोर्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही में आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस बारे में और जानना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला कोर्स जो आता है वो है डिप्लोमा कोर्स इन मशरूम कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग। मशरूम कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग का ये कोर्स होता है, एक साल का होता है ये कोर्स, दो सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। यहाँ पे आपको मिनिमम 50% चाहिए ट्वेल्थ में, साथ ही में आपको ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो आप ग्रेजुएशन के बाद में भी आप ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंडली आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे कोई आपको एंट्रेंस नहीं देना होता है, यहाँ पे सिर्फ मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल करके आपको फिर मेरिट बेसिस पे सीट अलॉट की जाएगी। लिमिटेड सीट्स डेफिनेटली होती हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कोर्स में बेसिकली होता क्या है। तो मशरूम तो सभी जानते होंगे कि मशरूम क्या होता है, मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है व्यू मशरूम कल्टीवेशन यूनिट का। यूनिवर्सिटी में जो मशरूम कल्टीवेशन करा जाता है ये वहीं के यूनिट की आपको इमेजेस में दिखा रही हूँ। तो मशरूम कल्टीवेशन में होता क्या है, ये मशरूम फार्मिंग होती है बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ वेरियस लिग्नोसेल्युलोसिक एग्रो वेस्ट इनटू प्रोटीन्स। यहाँ पे आप देखिए कमर्शियल मशरूम, कमर्शियल वर्ड अगर कहीं लग जाए तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है ये सेल्स में काम आने वाला है। तो कमर्शियली जो यूज़ करा जाता है मशरूम, उसे कल्टीवेट करते हैं जिसमें लो कॉस्ट कल्टीवेशन किया जाता है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और लोकली अवेलेबल जो फार्म वेस्ट होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। अब ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव इंडोर एक्टिविटी होता है, तो मशरूम कल्टीवेशन जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट। मशरूम अगर आप इस चीज़ में डिप्लोमा कर लेते हैं तो ये बेसिकली एक इंडोर एक्टिविटी है, लेबर इंटेंसिव, मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, साथ ही में आप खुद भी अपने आप को एज अनएम्प्लॉयड नहीं समझोगे कि आपके पास में एक डिप्लोमा है जिससे कि आपको एक चांस है कि आप मशरूम कल्टीवेशन आराम से कर सकते हो। तो ये बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन फॉक एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मशरूम्स क्या होते हैं, वेल सूटेड टू सप्लीमेंट डाइट्स। आपने देखा होगा मशरूम पाउडर्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो मशरूम होता है ये सप्लीमेंट डाइट में यूज होता है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसीलिए इसको वेजिटेबल मीट बोल दिया जाता है, ये वेजिटेरियन ही होता है, इसको वेजिटेबल मीट बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट ऑफ ईडेबल मशरूम आर क्वाइट लो। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट इसमें थोड़ा सा कम होता है। दे सर्व एज अ लो कैलोरी डाइट रिकमेंडेड टू हार्ट पेशेंट्स। हार्ट पेशेंट्स के लिए मशरूम काफ़ी अच्छा होता है। तो इस कोर्स में बेसिकली क्या होता है, दिस कोर्स एम्स टू टीच कल्टिवेशन एंड प्रोक्योरिंग ऑफ मशरूम हार्वेस्टिंग मशरूम क्रॉप्स एंड डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ मशरूम। इस कोर्स में, इस डिप्लोमा में आपको ये बताया जाएगा कि आप मशरूम को किस तरीके से कल्टीवेट कर सकते हो, उसको कैसे हार्वेस्ट करना चाहिए उस क्रॉप को, और साथ ही में डेवलपिंग आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी कि आप किस तरीके से उस मशरूम को मार्केट में सेल कर सकते हो, कमर्शियली आप उस मशरूम को यूज़ कर सकते हो। तो ये कोर्स एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नाउ कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बुंदेलखंड रीजन, कल्टीवेशन ऑफ ऑयस्टर मशरूम हैज़ बीन प्रमोटेड सिंस 2015। अब जैसा कि सभी जानते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में स्थित है, तो यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है 2015 से।
तो ये हो गया आपका मशरूम कल्टीवेशन के बारे में, ये मैंने आपको इमेज दिखा ही दी थी। अब हम बात करेंगे दूसरा डिप्लोमा कोर्स जो आपको ऑफर किया जाता है, इट इज़ डिप्लोमा कोर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जिन्हें भी फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और मान लीजिए आप नहीं कर पाए हैं या आप जो है वो बहुत ज़्यादा साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक साल के अंदर आपको कुछ अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ सीखने मिल जाए, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। एक साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, दो सेमेस्टर होते हैं, मिनिमम परसेंटेज 50%, आप ग्रेजुएशन के बाद में भी ये कर सकते हो। मेरिट बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोमा, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको क्या सीखने मिलेगा आप अगर ये कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली आपको गारमेंट्स बनाना सिखाया जाएगा, प्रोफाउंड स्किल्स जिन्होंने बहुत सारे वुमेन्स की लाइफ जो है वो चेंज कर दी, और काफ़ी बड़े फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं आज की जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट तरीके से, एक स्टेबल तरीके से अपने आप को एक स्ट्रेंथ देती हैं वुमेन्स। ये कोर्स करके आपको भी हो सकता है आप करना चाहते हो और आपने नहीं करा हो, या आप जो है अभी भी आपको इंटरेस्ट है पर आपके पास में कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस कोर्स, जिससे कि आप आगे जाके बहुत अच्छा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें अपने खुद के लिए। नाउ इन टुडेस सिनेरियो वेयर एंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट टू ईच इंडिविजुअल इज वेरी डिफिकल्ट, सो इट इज़ गुड टू इनकल्केट स्किल्स अमंग पीपल विच कैन गिव देम एम्प्लॉयमेंट एंड मेक देम इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट। डेफिनेटली ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको एक इंडिपेंडेंट महिला के रूप में, इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में इवॉल्व करेगा, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रेंथ स्किल सिखा देगा, आपके अंदर एक ऐसा स्किल दे देगा कि आप अपना काम खुद से एक स्मॉल सेक्टर से चालू करेंगे और डेफिनेटली यू विल रीच अप टू हाइट्स। इसके बाद में डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ये जो इस तरीके से प्लान किया गया है, तो ये बेसिकली दोज एनहेंस करेगा उन स्किल्स को, दोज विच आर इनहेरेंट इन सम इंडिविजुअल्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू दैट ह्यूमन वेयर क्लॉथ बट इट्स वे ऑफ वेयरिंग एंड स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डेफिनेटली हम जो कपड़े पहनते हैं, हम हमेशा एक तरीके के कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, हम हमेशा चेंज होते हैं, हमेशा जो है जो कपड़ों का स्टाइल होता है वो बदलता रहता है, तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। गारमेंट कंस्ट्रक्शन सिखाया जाएगा आपको, सिलाई बुनाई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, नॉट ओनली स्किल्स बट सिर्फ आपको सिलाई बुनाई के स्किल्स नहीं, आपको ये भी एक प्रोफेशनल नॉलेज भी दिया जाएगा डिज़ाइनिंग का, और साथ ही में आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग भी आपको पूरी सिखाई जाएगी। नाउ आर इंडस्ट्री पार्टनर शेयर वैल्यू इनपुट टू एनरिच एंड अपडेट द प्रोग्राम चेंजिंग नीड्स। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, जो भी इस डिप्लोमा में स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, खुद का भी एक सेटअप वो अपना सेट कर सकते हैं। चलिए तो आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से ही ली गई हैं, ये रियल इमेजेस हैं, तो आप देखिए कि कैसे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर लर्निंग क्राफ्टिंग एंड ड्रैपिंग ऑफ ड्रेसेस, तो ये सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएंगी। चलिए अगले कोर्स की बात करेंगे, दैट इज़ डिप्लोमा कोर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट। तो देखिए टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म में जिसको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है एक साल का है, दो सेमेस्टर होते हैं, 50% 12th में चाहिए आपको, और साथ ही में आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, वही मेरिट बेस्ड जिसमें होगा, आप अपना फॉर्म भरेंगे और फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस कोर्स में क्या होता है, इट इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, डेफिनेटली पैंडेमिक का टाइम है तो टूरिज्म भी थोड़ा सा स्लो हो गया है, बट जैसे ही ये ख़त्म होगा हम सभी एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं घर से बाहर निकलने का और घूमने फिरने का, जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपके पास में ये अभी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस साल कुछ डिप्लोमा कोर्स इस तरीके के कर सकते हो जो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट इज़ अ रिस्पॉन्स टू मीटिंग द इंक्रीज डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में हाईली स्किल्ड
के एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपको घूमना पसंद है तो आप इस करियर को बिल्कुल चूज़ करिए, कि एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर है। इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्रॉडनिंग करियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू बिल्ड अपॉन previous qualifications and experiences by expanding their knowledge in key academic field. ये course जो है ये focus करता है on method, theoretical and methodological tools जो कि tourism industry में ज़रूरी होते हैं। इस course में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, साथ ही में it will develop specialist understanding of tourism, बहुत ही keen understanding दी जाएगी tourism की, detailed form में कैसे आपको manage करना है इसको, कैसे business के form में आपको आना है, साथ ही में various lectures working in different areas of tourism industry। और ये course, this course aims to equip students with sound theoretical knowledge and provide opportunity to participate in hands-on learning that is affordable by internship। definitely आप यहाँ से internships भी कर सकते हो। तो एक ये course हो गया, आप देख सकते हो किस तरीके से students को पूरा communication skills और सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। Next course पे आते हैं, that is course of water purification। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ें सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस course में आता क्या है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ जो है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो रही हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरा आ रहा है, प्योर वाटर मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट पर वाटर प्रेजेंट है, लेकिन प्योर वाटर जो है वो हमारे पास में 3% ही सिर्फ प्रेजेंट है, जिसमें से 2% जो है वो आइस या स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमारे पास जो हम पानी अभी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, वो सिर्फ 1% है, और वही पानी अगर कंटेमिनेट हो जाए तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो कि आज के टाइम पे देखने मिल रहा है। रूरल पीपल जो हैं दे कुड एस्टेब्लिश वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट एंड प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर फॉर नियर बाई टाउन्स, ऐसे वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम लगा के आसपास के टाउन्स में रूरल एरिया से पानी जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि रूरल पीपल को ट्रेन किया जाए, ठीक है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स यहाँ पे लगाए जाए और इन्हें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दिया जाए। तो टेकिंग दीज इनटू कंसिडरेशन, इन सबको कंसिडरेशन में लेते हुए ये एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स निकाला गया है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो कि इन स्टूडेंट्स को किस तरीके से यहाँ पे वाटर प्योरीफिकेशन यूनिट पे स्टूडेंट्स को ले जाया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया है कि कैसे आपको ये मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला कोर्स जो है इट इज़ डिप्लोमा कोर्स इन रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट का ये कोर्स होता है। अब हमने जैसा कि देखा है कि रिटेल जो शॉप्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। तो ब्रिक एंड मोटर से, फ्रॉम ब्रिक एंड मोटर टू क्लिक एंड ऑर्डर पे आज की जो जनरेशन है वो जा चुकी है। सारी चीज़ें फिज़िकल और ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं वो ब्लेंडेड मोड में चल रही हैं, और अभी तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग मस्ट हो गई है। हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, तो जो फिज़िकल शॉप्स भी हैं वो भी ऑनलाइन आपको शॉपिंग करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये आपको एक रिटेल जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीपल रोल्स एंड एट ईच लोकेशन। तो लेकिन एक चीज़ आती है यहाँ पे रिटेलर्स जो है, एक प्रॉब्लम इन्हें आती है हायरिंग ऑफ पीपल, कि वर्क फोर्स जो है उनमें रिटेलिंग स्किल्स कम होते हैं, तो ट्रेनिंग और रिटेनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो इस कोर्स के अंदर जो है ये आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को, रिटेलर जो है वो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। एक इस पूरे कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों को कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लोगों के अंदर स्किल्स प्रोवाइड करना है, प्रोफेशनल स्किल्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप कराई गई, तो ये इंटर्नशिप की यहाँ पर आप पिक देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज़ डिप्लोमा कोर्स इन हिस्टोरिकल टूरिज्म एंड टूरिज्म गाइड। टूरिज्म हेल्प्स द विजिटर टू गेट एक्विजनेटेड विथ कल्चर,
customs and conventions, language and the mode of living of the local people. Tourism आज के समय में बहुत ही ज़्यादा शानदार एक चीज़ है, हम सभी घूमना पसंद करते हैं. तो economic importance of tourism in India can be by no means be underestimated. It benefits people, भाई लोगों को बहुत benefit होता है. तो अगर आप tourism guide बनना चाहते हैं और आप tourism के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को opt कर सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. टूरिस्ट जो है बहुत हमारे कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए एक स्किल्ड टूरिज़म गाइड की बहुत ज़रूरत होती है. तो आप ये देख सकते हैं कोई स्टूडेंट किस तरीके से हिस्ट्री टूरिस्ट प्लेसेस की हिस्ट्री के बारे में उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इस जगह के पीछे क्या हिस्ट्री है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं. नेक्स्ट कोर्स जो आता है डिप्लोमा कोर्स इन सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल ऑडिट. ये कोर्स जो है ये भी 1 साल का होता है. इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स को इनकल्केट करना जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहाँ पे सोशल ऑडिटर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हो. तो इस कोर्स के थ्रू आप एक सोशल ऑडिटर बन सकते हो. बाकी आप और रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं. आगे हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट. अब ये कोर्स क्या है, ये बेसिकली ट्रेन करता है इंडिविजुअल्स को स्पेशली फ्रॉम रूरल एंड ट्राइबल एरियाज विथ सच स्किल्स सो दैट दे कैन मेक दिस देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. नाउ दे कैन प्रोसेस सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, अदर आइटम्स लाइक पिकल, पापड़, वेफर्स. बिसाइड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन फूड प्रोसेसिंग एंड इट्स मैनेजमेंट द रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स ऑल्सो गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज. यहाँ पे क्या होता है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आप अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो. उसमें शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स भी इंक्लूडेड होती हैं. और इस कोर्स में क्या होता है, आपको बेसिकली स्किल्स सिखाए जाएंगे कि आप छोटे छोटे वेंचर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है ये सागर के, ठीक है, सागर मध्य प्रदेश के स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हैं. इन्होंने सीखा और फिर अपना खुद का एक छोटा सा इंडस्ट्री जो है वो अपने घर में लगा दिया. तो वो खुद भी एम्प्लॉयड हुए, साथ ही में इनके साथ में जो लोग हैं इन्होंने अपने साथ में रखे वो भी एम्प्लॉयड हुए. तो आप एम्प्लॉयमेंट, आप खुद भी एम्प्लॉयड होंगे साथ ही में दूसरे को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे. अब हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा कोर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अब आपको इस कोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा. आपको मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए. यहाँ पर भी मेरिट बेस्ड ही होता है, 1 साल का कोर्स होता है. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज. मतलब कि बायोलॉजी का यूज़ करके, बायोलॉजिकल स्टडीज का यूज़ करके आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिक्सअप करो. कहीं ना कहीं इस कोर्स में क्या होता है कि आप बायोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में पढ़ते हैं जो कि पूरा कंप्यूटर साइंसेज और आईटी से रिलेटेड होता है. इस कोर्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड एनालिटिकल पावर और गुड कंप्यूटेशनल स्किल्स जो हैं बायोलॉजिकल नेटवर्क से, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. साथ ही में ये कोर्स जो है इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं. और कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मतलब कि आपको बायोलॉजी को कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लिंक करना है ये पूरा सिखाया जाएगा. वेरियस टाइप की करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती हैं, जैसे कि डाटा एनालिस्ट, साइंटिफिक डाटा क्यूरेटर, जीन एंड प्रोटीन एनालिस्ट, फाइलोजेनिस्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन साइंटिस्ट, डाटा बेस प्रोग्रामर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, बायो मैकेनिक्स और भी इस तरीके की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको इस कोर्स में मिलते हैं. चलिए अब हम सर्टिफिकेट कोर्सेज पे आ जाते हैं. जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो 6 महीने के होते हैं, 6 मंथ का इनका ड्यूरेशन होता है. ये भी मेरिट बेस्ड ही होते हैं. तो पहला सर्टिफिकेट कोर्स वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में. अब ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में.
आपका यहाँ पे पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाएगा कि आपको कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होना है, रीडिंग स्किल्स आपके डेवलप करे जाएंगे एंड टू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड प्रैक्टिस द लैंग्वेज। फर्दर इट शैल एंश्योर दैट स्टूडेंट बिकम प्रोफिशिएंट इन रिटन कम्युनिकेशन सच एज राइटिंग फॉर्मल एप्लीकेशन एंड ईमेल। आपको पूरा फॉर्मल एप्लीकेशंस कैसे लिखे जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। साथ ही में आपको मॉडर्न इंग्लिश यूजेज भी बताया जाएगा एंड टू टेक रेमेडियल स्टेप टू करेक्ट द एरर इन प्रोनंसिएशन। इवन आप इतने अच्छे तरीके से यहाँ ट्रेन हो जाएंगे कि आप दूसरे के प्रोनंसिएशन के एरर्स को पकड़ सकेंगे और उन्हें करेक्ट कर सकेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये कोर्स जो है आपको एकदम चेंज कर सकता है आपकी लाइफ को। चलिए आगे हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंपोस्टिंग टेक्निक्स। तो ये भी 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें क्या है, कंपोस्टिंग एंड मैन्योरिंग, आपने ये सुना होगा कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग नाम सुना होगा। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक मैन्यूर्स कैसे अवेलेबल करने हैं जो कि हार्मफुल ना हो, उनमें केमिकल्स ना हो, डिकम्पोज्ड और रेसिड्यूअल ऑर्गेनिक रेसिड्यूज को यूज़ करके बनाया गया हो। यहाँ पे सीधी बात यह है कि आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक मैन्यूर्स कैसे बनाए जाते हैं जिससे कि जो सॉइल का ह्यूमस कंटेंट है वो बढ़ सके। तो इस कोर्स में आपको पूरा सॉइल को फर्टाइल कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा जैसे कि प्लांट जो है वो वेटर फॉर्म में ग्रो कर सके। तो आज का जो लास्ट कोर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स जो है, सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहीं ना कहीं ये दोनों कोर्सेज सेम है तो ये भी आपको उसी चीज़ से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड होता है ये कोर्स भी। आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है कि ग्रीन मैन्यूर्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो, 6 महीने का कोर्स होता है। तो आई होप कि आपको ये सारे कोर्सेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे कोर्सेज जितने भी हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज वो इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में बताई गई हों, बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।